वेलकम टू मॉम्स डायरीज। आज हम बात करेंगे कि क्या सर्दियों में बच्चों को केला खिलाना चाहिए या नहीं। सर्दियों का मौसम आते ही हमारी सबसे पहली फिक्र होती है कि कैसे अपने बच्चों को ठंड के मौसम में होने वाली बीमारियों से बचाया जाए। बच्चों को बीमारियों से बचाने के लिए उन्हें ऐसे फूड्स खिलाना चाहिए जिन्हें खाकर उनकी इम्यूनिटी मजबूत हो। सर्दियों के मौसम में बच्चों का इम्यूनिटी सिस्टम कमज़ोर होने का खतरा भी ज़्यादा रहता है। इसी वजह से उन्हें इस मौसम में ऐसी चीज़ें देनी चाहिए जो उनका इम्यूनिटी सिस्टम मजबूत बनाए और साथ ही उन्हें कई रोगों से बचाने में मदद करें। सर्दियों में आप बच्चों को केला ज़रूर खिलाएं, ये बच्चों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। लेकिन अगर आपके बच्चे को सर्दी खांसी है तो केला आप बिल्कुल मत खिलाएं। बच्चों को दिन में यानी कि धूप के समय केला खिलाना ज़्यादा फायदेमंद है। इससे उन्हें सर्दी नहीं लगती है और केले से बच्चों को दिन भर एनर्जी भी मिलती है। केले में भरपूर मात्रा में फाइबर और हेल्दी कार्ब्स होते हैं जिससे बच्चों का पाचन भी अच्छे से होता है, इसलिए बच्चों को कब्ज या कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम नहीं होती है। केले में विटामिन B6 होता है जिससे बच्चों की हड्डियों में सुधार आता है और केले में मौजूद मिनरल्स बच्चों की इम्यूनिटी मजबूत करते हैं। आजकल बच्चे छोटी भूख लगने पर चिप्स, चॉकलेट्स ये सारा जंक फूड खाते हैं। इसकी बजाय धूप के समय बच्चों को केला खिलाने की आदत डालें जिससे बच्चों का पेट भी भर जाएगा, पाचन अच्छे से होगा, गैस या कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम नहीं होगी और इम्यूनिटी पावर भी स्ट्रांग होगी। यहाँ पे मैंने पका हुआ केला लिया है। इसका छिलका निकाल के इस तरह बारीक टुकड़े करके लें। अब एक फोर्क की हेल्प से इस तरह मैश करें। यह सबसे बेस्ट तरीका है क्योंकि आप थोड़ा सा बनाना लेके भी इस तरह फोर्क से मैश कर सकते हैं। आप इसे अच्छी तरह से मैश करके लें। अब ये बेबी को खिलाने के लिए रेडी है। दूसरा तरीका है बनाना प्यूरी। यहाँ पे मैंने फॉर्मूला मिल्क लिया है। इसे ज़रूरत के अनुसार बनाना में मिक्स करें। आप फॉर्मूला मिल्क की बजाय ब्रेस्ट मिल्क भी इसमें मिक्स कर सकते हैं। इस तरह से बना के आप बेबी को खिलाएं। तो इस तरह आप दो तरीकों से बेबी को बनाना खिला सकते हैं, मैश्ड बनाना और बनाना प्यूरी। स्टार्टिंग में बच्चे 2-3 स्पून ही खाएंगे और उतना उनके लिए सफिशियंट भी है। धीरे धीरे आप क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और मॉम्स डायरीज़ को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।